दिल्ली में देर रात से सुबह तक रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसकी वजह से दिल्ली का कुछ इस तरह का हाल हो गया। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 16 की सड़क पर कुछ इस तरह का जलभराव हो गया कि गाड़ियां यहां पर रेंगने पर मजबूर हो गईं। वहीं दिल्ली के नरेला का लामपुर रेलवे का अंडरपास पानी से लबालब भर गया, जिसकी वजह से घंटों गाड़ियां यहां पर फंसी रहीं। ट्रैफिक जाम के चलते स्कूली बच्चे और दफ्तर जाने वाले लोग बेहद परेशान हुए। नाम क्या आपका? मेरा नाम विनय है। विनय जी, इतनी तेज बारिश है, आप कहाँ जा रहे हैं और कैसा लग रहा है मौसम? सर, मौसम तो बहुत अच्छा है, गर्मी से राहत मिली है, ठीक है सर। और मुझे जाना है गुड़गांव, और इतना पानी भरा हुआ है कि जाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या लगता है आपको कितना आज जाम में मिल सकता है? मुझे लगता है कि मैं 3-4 घंटे से पहले नहीं पहुँच पाऊंगा। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा के बापरोला वार्ड की कॉलोनियों में कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी भर गया। ये वही बापरोला वार्ड है जहां प्रसिद्ध रेसलर सुशील कुमार का घर है। दिल्ली में पानी की निकासी का मैनेजमेंट सही नहीं है, जिसकी वजह से हमेशा बारिश के बाद यहां की सड़कों की कुछ इसी तरह की हालत हो जाती है। दिल्ली से अनिल अत्री, नवीन निश्चल के साथ आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।